हेलो फ्रेंड्स, बिहार प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन से 75 प्रश्नों के सेट में सेट दो देखेंगे। इसमें सिर्फ हम लोग सामान्य अध्ययन से ही 75 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में, देखें क्या है। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है किनको जाता है? ऑप्शन सी सही है, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। 1932 से 34 ईस्वी के दौरान युवा कांग्रेस जनों के एक वर्ग ने कांग्रेस के भीतर ही रहकर संगठन को वामपंथ की ओर प्रेरित करने के लिए समाजवादी पार्टी बनाई, जिसके प्रमुख सदस्य जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, यूसुफ मेहर अली, अशोक मेहता और मीनू मसानी थे। इसी पार्टी ने देश में समाजवादी विचारधारा का प्रचार किया। बिहार के भौतिक विभागों में आपने निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? तो यहाँ देखिए, बिहार के दो प्रमुख प्राकृतिक विभाग हैं, गंगा का मैदान और छोटा नागपुर का मैदान। गंगा का मैदान दो भागों में विभाजित है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। तो यहाँ कौन सा नहीं आएगा? तो यह है पूर्वी गंगा मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? तो यहाँ नहीं करना है, ये तो क्वेश्चन हो चुका है, पूर्वी गंगा का मैदान। नेक्स्ट, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय अचानक घोड़े से गिरकर हो गई थी? चौगान मतलब होता है पोलो। तो यहाँ सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते समय हुई एक दुर्घटना में 1210 ईस्वी में मौत हो गई। खेल के दौरान वह घोड़े की पीठ पर से गिरकर बुरी तरह से घायल हो गया था। उसे लाहौर में अनारकली बाजार के निकट दफनाया गया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर टाइप नहीं हुआ है। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? तो यहाँ गुजरात जो है वो कपास उत्पादक में सबसे आगे है, उपज की दृष्टि से गुजरात और क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र। कपास के मामले में भारत के सर्वाधिक अग्रणी राज्य हैं। लगभग 4 मिलियन अनुमानित चक्र के साथ भारत में कपास उत्पादन के लिए विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर मेगा स्टोर खुदरा बिक्री श्रृंखला किस भारतीय उद्योग से संबंधित है? आदित्य बिरला रिटेल लिमिटेड सुपरमार्केट और हाइपरमार्केट के रूप में दो स्टोरों का संचालन मोर ब्रांड के नाम से करती है। फ्यूचर ग्रुप रिलायंस रिटेल और डी मार्ट के पश्चात ABRL भारत का चौथा सबसे बड़ा सुपरमार्केट श्रृंखला है। गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया? कौन सा सिक्का? तो देखिए, गुप्त काल में जारी चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। ये सिक्के उज्जैन के शक शासकों के सिक्कों के अनुरूप थे, जिनका वजन 32 से 36 ग्रेन था। हालांकि चीनी विद्वान फाहियान के अनुसार गुप्त काल में कौड़ियां विनिमय के सामान्य साधन के रूप में प्रयुक्त होती थीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा रुपया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्तमान सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय की सबसे बड़ी एकल मद है क्या है? तो ऋण का ब्याज भुगतान भारत में वर्तमान सरकारी व्यय के संदर्भ में सबसे बड़ा एकल मद है। कुछ गैर विकासीय खर्चों में यह 40% से भी अधिक है। इस तरह से व्यय भारत के समेकित कोष से पूरा किए जाते हैं, जिसके लिए लोकसभा से अनुमति लेना आवश्यक नहीं होता है। तो बी ऑप्शन सही है, ऋण का ब्याज भुगतान के लिए। उत्पादन के एक घटक की मांग है क्या है? उत्पादन के चार घटक, चार कारक हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। उत्पादन के कारकों की मांग एक व्युत्पन्न मांग है। इसका अर्थ है कि इन कारकों द्वारा उत्पादित होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग होने पर ही उनकी उत्पादन
के कारकों की मांग होती है। तो यहां बी ऑप्शन सही है, व्युत्पन्न। संयुक्त राष्ट्र यूएन जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी, कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित को वर्ष 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनाया गया था। वर्ष 1946 और 1968 में उन्होंने दो बार संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विजया लक्ष्मी पंडित। वराह मिहिर का पंच सिद्धांतम इससे संबंधित है, किससे संबंधित है? खगोल विज्ञान से, बी ऑप्शन सही होता है। ज्योतिष एवं गणितीय विषयों पर आधारित पंच सिद्धांतिका ज्योतिषीय ज्ञान पर आधारित पांच पुस्तकें वराह मिहिर की सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पुस्तक की रचना 575 ईस्वी में की गई थी। यह पूर्व के पांच ज्योतिषीय प्रणालियों का संक्षिप्त रूप है, जिसके नाम है सूर्या, रोमाका, पाउलिसा, वशिष्ठा और पैतामहा। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ। लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 36 ईस्वी में अपने एक वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटा दिया, इसलिए उसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, चार्ल्स, सर चार्ल्स मेटकॉफ। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यहाँ पे सही आपको चूज करने हैं। पहला है, एथेनॉल कार्बनिक यौगिक के लिए एक अच्छा विलायक है, ये सही है। एथेनॉल के गलनांक व क्वथनांक पानी की तुलना में कम होते हैं, ये भी सही है। एथेनॉल का उपयोग टिंचर आयोडीन में किया जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3 सभी वाक्य सही है। एथेनॉल एक ज्वलनशील एवं रंगहीन द्रव्य है, इसे इथेनॉल अल्कोहल भी कहा जाता है। इसे पीने से मानव शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती है, इस कारण इसका उपयोग मादक द्रव्य या शराब के रूप में उपयोग होता है। यह फलों एवं स्टार्च युक्त अनाजों द्वारा प्राप्त किया जाता है। औद्योगिक दृष्टि से इसका उत्पादन किण्वन विधि द्वारा होता है। यह कार्बनिक यौगिक के लिए अच्छा विलायक है। इसका गलनांक एवं क्वथनांक पानी की तुलना में कम होता है। इसका उपयोग टिंचर आयोडीन में किया जाता है। इसका आणविक सूत्र होता है C2H6O होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल यहाँ स्थित है, कहाँ पर है? तो आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। यह अहमदाबाद जिले के ढोलका तालुक में सर्गवाला ग्राम के नज़दीक स्थित है। लोथल का निकटतम नगर ढोलका और बागोदरा है। 14th, बुद्ध का अर्थ है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? प्रबुद्ध व्यक्ति। संस्कृत और पाली भाषा में बुद्ध का अर्थ है प्रबुद्ध, ज्ञान संपन्न, जो प्रकाशमय हो। यह शब्द बुद्ध शाक्य मुनि सिद्धार्थ गौतम का समानार्थी शब्द बन गया है, जिससे गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? तो स्थानांतरीय गति के अंतर्गत कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है, वह घूर्णन गति में कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूमता है। इस प्रकार सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति स्थानांतरित एवं घूर्णनीय गति दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना
पियरे बैरोन डी कुबर्टिन द्वारा लुसाने के माउंट रिपोज ग्राम में 21 जून 1864 को की गई। 21 जून 1864 को इसकी स्थापना होती है। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय आपको लुसाने स्विट्जरलैंड में है, और किसके द्वारा स्थापित किया गया है, पियरे बैरोन डी कुबर्टिन के द्वारा स्थापित किया। कितने साल, डेट क्या है इसकी, तो 21 जून 1864 को की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है, किस पर आधारित है। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यहाँ देखिए द्वितीय की भी बात हो रही है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के 2 और 4 सेक्टर मॉडल पर आधारित है, 2 और 4 सेक्टर पर आधारित है। दूसरी पंचवर्षीय की बात हो रही है, तो ये है महालनोबिस के 2 और 4 सेक्टर पर आधारित है, और पहली पंचवर्षीय किस पर आधारित है, हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है, ये है न्यूजीलैंड में। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के बीच से गुजरने वाली पर्वतमाला है। इस पर्वत श्रेणी की लंबाई यहाँ पे बताया जा रहा है कि 500 मीटर है। इस पर्वत श्रेणी की लंबाई 500 किलोमीटर है। इसी पर्वत श्रृंखला में न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत आओ रॉकी या कुक पर्वत स्थित है। आओ रॉकी या कुक पर्वत स्थित है। दक्षिण आल्प पर्वत श्रेणी की ऊंचाई, अब देखिए उसकी श्रेणी की लंबाई कितनी है, 500 किलोमीटर, और यहाँ ऊंचाई की हम बात करें तो 3724 किलोमीटर है, 3724 मीटर है। इस पर्वत श्रेणी में अनेक ग्लेशियर्स भी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन सही नहीं है, बाकी बी सी और डी। यहाँ देखिए क्या है, शब्द कुछ शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं और उसके फुल फॉर्म दिए गए हैं। सीएनजी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एसआईटी, इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। और डी है केवाईसी, नो योर कस्टमर। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत दिया हुआ है, क्या होना चाहिए, पीआईएल। पीआईएल का पूर्ण रूप होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको जनहित याचिका के तौर पर भी जाना जाता है। तो यहाँ जो दिया हुआ है ये गलत है। नेक्स्ट है, लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है, कहाँ लगती है, अब ये बताना है आपको, बहुत आसान सवाल है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समुद्र के जल में। क्यों, क्योंकि उसमें ज़्यादा आपको आयोडीन, नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। लोहा पानी या हवा की मौजूदगी में जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो जंग बनता है। जंग लोहे के संक्षारण में अहम भूमिका निभाता है, ठीक है, लोहे के संक्षारण में अहम भूमिका जल की होती है। ऐसा जल जिसमें नमक उपस्थित रहता है, जैसे समुद्र के जल में, तो लोहे में शीघ्र ही क्या हो जाती है, जंग लगी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी शैवाल काई का एक उदाहरण है। तो यहाँ है सेफेलियोरॉस कवक समुदाय का एक, कवक समुदाय का एक परजीवी वर्ग है। सेफेलियोरॉस किसका पर, कवक समुदाय का एक परजीवी वर्ग है। इसके अंतर्गत लगभग 14 प्रजातियां शामिल है। इसका सामान्य नाम रेड रस्ट है। चाय, कॉफी, आम और अमरूद के पेड़ पौधों की पत्तियों पर परजीवी के रूप में रहते हुए ये अपना विकास करते हैं। एकल समीमाक्षी पुष्पक्रम इनमें देखा जाता है।
कहाँ देखा जाता है? यहाँ पर देखिए, एकल समीमाक्षी पुष्पक्रम वैसे पुष्पक्रम के लिए प्रयुक्त होता है जो एकल पुष्प से बना होता है। इसके उदाहरण है पापरा, ट्यूलिप इत्यादि। ऐसे पुष्पों को एकल तब कहा जाता है जब पौधे में सिर्फ एक पुष्प लगता है या जब पौधे की क्षैतिज शाखाओं पर एकल पुष्प लगता है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही होगा, पापरा। किस एकमात्र देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो आपको पता है देश यहाँ पूछा जा रहा है, तो बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश अवस्थित है। अतः बिहार राज्य से एकमात्र देश नेपाल की सीमा जोड़ती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नेपाल। यहाँ 24 क्वेश्चन नहीं टाइप हुआ है, देख लीजिए एक बार। 24 ऐसे ही हम पढ़ दे रहे हैं। न्यूट्रॉन की समान संख्या वाले भिन्न तत्वों के परमाणुओं को क्या कहते हैं? तो कहते हैं आइसोटोन। न्यूट्रॉन की समान संख्या वाले भिन्न तत्वों के परमाणुओं को क्या कहते हैं? आइसोटोन कहते हैं। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न हो किंतु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे फास्फोरस तथा सल्फर सम न्यूट्रॉनिक है क्योंकि इनमें से प्रत्येक के नाभिक में 16 न्यूट्रॉन है। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ। तो यहाँ ऑप्शन सी सही रहेगा, इरविन गांधी समझौता। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी ही थे। सम्मेलन के समक्ष मुख्य मुद्दा संघीय ढांचे तथा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना था। सम्मेलन में सर्वाधिक विवादित अल्पसंख्यकों के हितों पर हुआ था। सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था, वह आदेश है। कौन सा आदेश है? तो 4 जनवरी 1932 को गैर कानूनी संघ अध्यादेश के तहत कांग्रेस तथा उनके सहयोगी संगठनों को अवैध घोषित करके उनके भवन, कार्यालय तथा संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया। प्रदर्शनकारियों पर लाठियां और गोलियां बरसाई गई। सामूहिक जुर्माने तथा अन्य दमनात्मक कार्रवाइयों के बाद भी विदेशी सामानों का बहिष्कार एवं कर बंदी के माध्यम से आंदोलन जारी रहा था। तो यहाँ ऑप्शन सी सही रहेगा, सॉरी ऑप्शन ए सही रहेगा, गैर कानूनी संघ अध्यादेश। निम्नलिखित में से किस युक्ति साधन को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ देखिए डी ऑप्शन सही है, ताप वैद्युत पुंज। ताप वैद्युत प्रभाव का आधारित ताप वैद्युत पुंज का प्रयोग ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए ऊष्मा संवेदक के रूप में किया जाता है। एक ताप वैद्युत पुंज के निर्माण के लिए थर्मोकपल जंक्शन पैर को वैद्युत रूप से सीरीज में जोड़ा जाता है। सतह के निकट थर्मोकपल विकिरित ऊर्जा को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ताप वैद्युत पुंज। कर्णम मलेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ कुछ वाक्य कर्णम मलेश्वरी के बारे में दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से वाक्य सही हैं और कौन से सही नहीं हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेटलिफ्टर है, ये सही है, भारोत्तोलक ही है, वेटलिफ्टर ही है। वह कर्नाटक की है, ये तो नहीं, वो आंध्र प्रदेश की है। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, ये भी सही है। वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती हैं, सही है। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए सी तथा डी वाक्य यहाँ सही बनता है। कर्णम मलेश्वरी का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। वे भारत की महिला भारोत्तोलक हैं। वे ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है?
गोविंद स्वामी पिल्लई 1878 से 1931 दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक के प्रसिद्ध वायलिन वादक थे। कौन थे ये वायलिन वादक? तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उन्होंने कर्नाटक संगीत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। दक्षिण भारत के कला एवं संस्कृति के विकास में वायलिन का अहम योगदान है। डॉक्टर एस बालामूल कृष्णन, एस शंकर, एल शंकर, एल विद्यानाथ, डॉक्टर एल सुब्रमण्यम, श्री गणेश, टी एन कृष्णन विश्वव्यापी स्तर के महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय वायलिन वादक हैं। रीड ओनली मेमोरी रोम का सर्वाधिक उन्नत रूप है। रीड ओनली मेमोरी रोम का सर्वाधिक उन्नत रूप है। ईईप्रोम सही है। ईईप्रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल। रीड ओनली मेमोरी एक विशेष प्रकार का नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में कम मात्रा में डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। कम मात्रा में यह डाटा जैसे व्यास मापन टेबल या डिवाइस संरूपण जब पावर को रिमूव किया जाए तो अवश्य सेव कर लेना चाहिए। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में एक बार में एक को अनुवादित करता है क्या कहलाता है? तो इंटरप्रेटर कहलाता है। इंटरप्रेटर एक कंस्ट्रक्शन को उसी समय अनुवाद कर देता है और इसके बाद इस इंस्ट्रक्शन को उसी क्षण निष्पादित कर देता है। यह ऐसे इंस्ट्रक्शन को जो प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्टिंग भाषा में लिखे गए हैं को पहले बिना कंपाइल किए ही सीधे मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में निष्पादित कर देता है। ओके तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? पटना में गंगा नदी के पार 55 किलोमीटर दूर वैशाली स्थित है। वज्जी और लिच्छवियों के काल में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में यहाँ प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित हुई थी। तो ए ऑप्शन सही हो जाता है, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अभी पैदा हुए बच्चे की श्वसन दर यह होती है, कितनी होती है? तो देखिए ए ऑप्शन सही है, प्रति मिनट 32 बार। नवजात शिशु सामान्यतः अधिक उम्र के बच्चों और युवाओं की अपेक्षा अधिक तेजी से सांस लेते हैं। उनका श्वसन दर प्रति मिनट लगभग 30 से 60 होती है। विभिन्न उम्र वय के बच्चों की श्वसन दर इस प्रकार है, 6 से 12 माह 24 से 30, 1 से 5 वर्ष 20 से 30 और 6 से 12 वर्ष 12 से 20। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? सी ऑप्शन सही है, विशाखदत्त। यहाँ देखिए 4वीं सदी के उत्तरार्ध तथा 5वीं सदी के पूर्वार्ध में विशाखदत्त द्वारा रचित ग्रंथ मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य एवं उनके गुरु चाणक्य के विषय में विशिष्ट वर्णन है। महाकवि भास द्वारा रचित स्वप्नवासवदत्तम में वत्स राज उदयन एवं चंड प्रद्योत के संबंधों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्कनित रबर में कितनी गंधक अंतर्विष्ट होती है? तो होती है, बी ऑप्शन सही है, 3 से 5%। वल्कनित लचीला रबर वाला टायर में 3 से 5% सल्फर मिला होता है, जबकि कठोर रबर इबोनाइट में 32% तक सल्फर होता है। वल्कनित रबर की कठोरता इसमें मिलाए गए सल्फर की मात्रा पर निर्भर करती है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, एक क्या है, एस्टर है। डी ऑप्शन सही होता है, विस्फोटक
ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन एक रंगहीन तैलीय द्रव है। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन एक रंगहीन तैलीय द्रव है। यह डायनामाइट बनाने के काम आता है। यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल के ग्लिसरीन के साथ क्रिया करके बनाया जाता है। प्रवाल भित्तियों को संरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से एक को समुद्री पार्क घोषित किया है। किनको किया है? कच्छ की खाड़ी को। कच्छ की खाड़ी गुजरात तरफ होती है। भारत सरकार ने वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रवाल भित्तियों को संरक्षित करने के लिए कच्छ की खाड़ी को समुद्री राष्ट्रीय पार्क घोषित किया है। यह भारत का पहला समुद्री पार्क है। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो ये है अपने मौलिक अधिकारों से। ये ऑप्शन सही है, मौलिक अधिकारों से। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। सर्वाधिक संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र मैग्न कार्टा कहा जाता है। अधिकार पत्र मैग्न कार्टा कहा जाता है भाग 3 को, ठीक है? याद रखिएगा भाग 3। यहाँ पे अनुच्छेद 12 से 35 में हमारे मौलिक अधिकारों को दिखाया गया है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की अणुओं की प्लाज्मा झिल्ली से चाल खाली स्थान कहलाती है। जल की अणुओं की प्लाज्मा झिल्ली से चाल खाली स्थान कहलाती है। तो यहाँ ए ऑप्शन सही है, पराशरण। पराशरण, ठीक है, पराशरण। यहाँ 39 क्वेश्चन वो नहीं, मिस हो गया है, नहीं है यहाँ पे। उसको हम लोग यूं ही एक बार पढ़ लेते हैं। 39 क्वेश्चन क्या है? 39 देखते हैं एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिको में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? फिर से ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिको में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिको में रुधिर से निकाले जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ सही होना चाहिए अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। ये ब्रिको द्वारा रुधिर से निकाल दिए जाते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकाला जा सकता है। देखते हैं एक बार। 39 ब्रिक यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में किडनी, सेम के बीज के आकार का होता है। सेम के बीज का आकार का होता है। इसके चारों ओर पेरिटोनियम झिल्ली पाई जाती है। पेरिटोनियम झिल्ली पाई जाती है चारों तरफ, किडनी में चारों तरफ पेरिटोनियम झिल्ली पाई जाती है। उदर गुहा पीठ की ओर कमर के क्षेत्र में कशेरु दंड के दोनों ओर एक एक ब्रिक स्थित होता है, एक एक किडनी होती है। यह मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है, जो रुधिर परिसंचरण से उत्सर्जित तत्वों को हटाने साथ ही साथ रुधिर में लाभदायक तत्वों को बनाए रखने के लिए अनुकूलित होता है। ब्रिक शरीर से किडनी शरीर से अमोनिया, यूरिया एवं यूरिक अम्ल को बाहर निकाल देता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 40 है, जल की अणुओं की प्लाज्मा झिल्ली से चाल खाली स्थान कहलाती है। क्या कहलाती है? परासरण। परासरण दो भिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाली एक विशेष प्रकार की विसरण क्रिया है, जो एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है। दूसरे शब्दों में परासरण वह क्रिया है जिसके फलस्वरूप अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को परासरण कहा जाता है। मृदा से जड़ तक जल का स्थानांतरण परासरण के द्वारा ही
होता है। कोशिकाओं के मध्य जल का विसरण इसी प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम होता है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम होता है? तो ये 43 किलोमीटर कम होता है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास ये कितना है? 102,713 किलोमीटर होता है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 102,713 किलोमीटर है। विषुवतीय व्यास कितना होता है? 102,756 किलोमीटर से, तो यह क्या होता है? 43 किलोमीटर कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में बचत लेखों पर ब्याज दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में बचत लेखों का ब्याज दर का निर्धारण ये होता है, डी ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में बचत लेखों पर ब्याज दर का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2011 से आरबीआई ने बचत खाते पर दिए जाने वाले ब्याज से नियंत्रण दो शर्तों के साथ हटा लिया है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। अब देखिए, कच्चे फलों को हम लोग किस गैस की सहायता से पकाते हैं? तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एथिलीन की सहायता से हम लोग कच्चे फलों को पकाते हैं। एथिलीन C2H4 कच्चे फलों को पकाने व उनके संरक्षण में विषैली मस्टर्ड गैस बनाने में, कृत्रिम रबर एवं पॉलीथीन बनाने में तथा सामान्य निश्चेतन के रूप में प्रयोग की जाती है। एसिटिलीन C2H2 धातुओं को जोड़ने काटने के लिए ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला बनाने में, नियोप्रिन नामक कृत्रिम रबर बनाने में, पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीविनाइल इंथर बनाने में तथा इथर बनाने में तथा प्रकाश उत्पन्न करने में प्रयोग की जाती है। तो आपने देखा एथिलीन के क्या क्या उपयोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलहन उत्पादन कार्यक्रम OPP कब प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 1990 ईस्वी में, वर्ष 1990 से 91 में तेलहन उत्पादन कार्यक्रम OPP को NODP नेशनल ऑयल सीड्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट NODP तथा OPTP ओली सीड्स प्रोडक्शंस ट्रस्ट प्रोजेक्ट के मर्जर से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया? योजना अवकाश, तो यहाँ ऑप्शन सी सही है, तृतीय पंचवर्षीय योजना। दो पंचवर्षीय योजना अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ पे तृतीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा योजना अवकाश घोषित किया जाता। तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के कारण भारत सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना को लागू नहीं किया। यह अवधि 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 योजना अवकाश के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 योजना अवकाश के नाम से जानी जाती है। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है, क्या है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, अमोनिया अल्प मात्रा में वायु तथा जल में उपस्थित होती है, बहुत कम मात्रा में वायु और जल में अमोनिया उपस्थित होती है। प्रायः
मृत जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों के सड़ने से यह गैस बनती है, अमोनिया गैस बनती है। संयुक्त अवस्था में यह अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट आदि में पाई जाती है। यह स्वाद में क्षारीय है। अमोनिया गैस का उपयोग अश्रु गैस, कृत्रिम रेशे आदि बनाने में किया जाता है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमोनिया और हाइड्रोक्लोराइड एसिड का। विधि का शासन, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ से की, संवैधानिक प्रणाली की एक कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है। तो ये है विधि का शासन, यहाँ ब्रिटेन से लिया गया है। विधि की सर्वोच्चता इंग्लैंड की संस्थाओं की प्रधान विशेषता है। विधि के शासन का सीधा अर्थ यह है कि इंग्लैंड में विधि का शासन है, न कि किसी व्यक्ति की निरंकुश इच्छा का। कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी उच्च पदों पर पदासीन हो, विधि के निर्धारण नियंत्रण से मुक्त नहीं है। विधि की दृष्टि से सभी नागरिक समान होते हैं। तो यहाँ ए ऑप्शन सही है, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीट जारी करने, एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो रीट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है, कोई भी जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होता है उसके द्वारा जारी की जा सकती है। रीट जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32, ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा प्रत्येक न्यायालय अनुच्छेद 226, सर्वोच्च न्यायालय 32 और प्रत्येक न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपनी रिट जारी करने की शक्ति का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच कहां पर बड़ा अंतर देखा जाता है। आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच कहां पर बड़ा अंतर देखा जाता है। तो ऑप्शन सी सही रहेगा, सरकार का संसदीय स्वरूप, संसदनात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत सिद्धांत और व्यवहार के बीच बड़ा अंतर देखा जाता है। सिद्धांत में संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति या राजा होता है, जिससे समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, परंतु व्यवहार में कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लोक लेखा समिति। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति के लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। संविधान में अनुच्छेद 148, के तहत भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका दिसंबर 1991। सोवियत संघ की संसद सुप्रीम सोवियत ने 26 दिसंबर 1991 को अपने अंतिम अधिवेशन, ध्यान दीजिएगा डेट 26 दिसंबर 1991 को, अपने अंतिम अधिवेशन में सोवियत संघ को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव पारित कर दिया और स्वयं के भंग होने की घोषणा कर दी। इस प्रकार 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार यानी मुखिया के चुनाव में शामिल होती है। तो ये है समिति। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व अथवा जन साधारण की आवाज अभिव्यक्ति करने वाली संस्था कहा गया है। राजा यानी कि जनजातीय सरदार के मुखिया के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसका,
समिति का। ऋग्वेद में इसकी 9 बार चर्चा की गई है, 9 बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एवं विशिष्ट पहचान रखते थे? भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय, क्षत्रिय एक कास्ट से है, एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो ये है बुद्ध के युग में, बुद्ध युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी स्वयं क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। बौद्ध कालीन ग्रंथ अगुतर निकाय में महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, किसमें? अगुतर निकाय में महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, जिसके अधिकतर शासक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, सी ऑप्शन सही होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को, ध्यान रखिएगा डेट 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ। गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को 241 मील लंबी पद यात्रा के बाद दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल, देखिए 5 अप्रैल 1930 की बात है कि वो 241 मील लंबी पद यात्रा पैदल चल के यात्रा करके वो दांडी पहुंचते हैं, और 6 अप्रैल 1930 को अगले ही दिन दांडी में अवैध रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ देते हैं। तो ये हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुमावशेष स्लैश और बर्न क्रीम को मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है? मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है? ये डी ऑप्शन सही होगा, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका। विभिन्न देशों में स्थानांतरित कृषि के नाम निम्नलिखित है, यहाँ देखिएगा क्या क्या है, यहाँ पे मिल्पा मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका, चेना श्रीलंका, रोका ब्राजील, तुंग्या म्यांमार, नगासु सूडान, हुम्मा इंडोनेशिया, झूम असम। फिर से देखिए, मिल्पा मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका, चेना श्रीलंका, रोका ब्राजील, तुंग्या म्यांमार, नगासु सूडान, हुम्मा इंडोनेशिया, झूम असम, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य, आबादी की वृद्धि दर से तात्पर्य किसका है? जन्म और मृत्यु दर दोनों के बीच के अंतर को, जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच अंतर को जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर की स्थिति जनसंख्या विस्फोट की अवस्था को जन्म देती है। विश्व के अधिकतर विकासशील देशों में ऐसी अवस्था देखी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? अपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त करते हैं? तो ये है प्रतिशत, यहाँ पे दिया हुआ प्रतिशत, देखते हैं क्या है। किसी निश्चित तापक्रम पर निश्चित आयतन वाली हवा की अत्यधिक नमी धारण करने की क्षमता तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को अपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, इसको प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, इसको प्रतिशत में ही व्यक्त किया जाता है। तो सी ऑप्शन सही होगा, प्रतिशत। कयांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? तो यहाँ है संरचना और गठन, ए और बी दोनों सही होंगे। ताप एवं दाब के कारण आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के संगठन एवं स्वरूप संरचना में परिवर्तन या रूपांतरण हो जाता है, इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। यह सर्वाधिक कठोर चट्टान होती है तथा इसमें जीवाश्म नहीं मिलता है। ठीक है, कयांतरण चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकों प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, अब बताइए शराब और शैंपेन क्षेत्र के लिए, शैंपेन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो ये है भूमध्य सागर। भूमध्य सागरीय जलवायु में शीत ऋतु में
शीतोष्ण चक्रवात से पर्याप्त वर्षा होती है, इसी कारण यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के फलों संतरा अंगूर नींबू आदि के लिए जाना जाता है। वास्तव में भूमध्य सागरीय भूमि को विश्व का बगीचा कहते हैं, ठीक है, विश्व का बगीचा किसको, भूमध्य सागरीय भूमि को। यह विश्व के शराब उद्योग का हृदय स्थल है, विश्व के शराब स्थल शराब उद्योग का हृदय स्थल होता है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही होगा, भूमध्य सागर। द स्टोरी ऑफ मालगुड़ी डेज, द स्टोरी ऑफ मालगुड़ी डेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये है आर के नारायणन के द्वारा लिखी गई है। मालगुड़ी डेज, द स्टोरी ऑफ मालगुड़ी डेज एक संक्षिप्त कहानी संग्रह है जो वर्ष 1943 में आर के नारायण द्वारा लिखा गया है। भारत में यौन उत्पीड़न विरोधी कानून रोकथाम निषेध और शिकायत निवारण अधिनियम 2013 किसकी रक्षा करने के लिए लागू किया गया, तो ये ऑप्शन सही है, कार्यस्थल पर महिलाओं की रक्षा के लिए। भारत में यौन उत्पीड़न विरोधी कानून रोकथाम निषेध और शिकायत निवारण अधिनियम 2013 लोकसभा में 3 सितंबर 2012 तथा राज्यसभा में 26 फरवरी 2013 को पास किया गया। यह 23 अप्रैल 2013 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के उपरांत 9 दिसंबर 2013 के 13 से प्रभावी हुआ। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकना है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, किस नाम से, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को, सॉरी यहाँ देखिए, ब्लड कैंसर को आमतौर पे ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, ल्यूकेमिया याद रखिएगा, ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। इस कैंसर में सामान्य रक्त कोशिकाओं में श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी WBC की मात्रा असामान्य तरीके से बढ़ जाती है। तो WBC जो होता है वाइट ब्लड कोशिका, वाइट ब्लड सेल्स जो है वो असामान्य तरीके से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसके कारण से ब्लड कैंसर होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है क्या है, फास्फोग्लिसेरिक अम्ल। सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण फोटोसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया का प्रथम स्थायी उत्पाद फास्फोरिक ग्लिसेरिक अम्ल कहते हैं। पीएच स्केल का परिसर है, जीरो 14। पीएच पैमाने में 0 से 14 तक अंक होते हैं। इसके मध्य बिंदु 7 को उदासीन बिंदु कहते हैं। इस पैमाने का प्रयोग विलयन की प्रकृति जानने के लिए किया जाता है। जिस विलयन का मान 7 से कम होता है उसे अम्ल तथा उसका जिसका मान 7 से अधिक होता है उसे क्षार कहते हैं। 7 से कम अम्ल होते हैं और 7 से अधिक क्षार होते हैं और 7 क्या होता है उदासीन, ठीक है, उदासीन बिंदु होता है। नेक्स्ट, यदि दी गई संख्या, देखिए कितना संख्या दिया है, में प्रथम और द्वितीय अंकों का, तृतीय और चतुर्थ अंकों का, पांचवे और छठे अंकों का इत्यादि अतः अंतः परिवर्तन करते हैं तो दाहिनी छोर से गिनने पर छठा अंक कौन सा
होगा, तो यहाँ होगा दो। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से आएगा दो, संख्याओं को प्रश्नानुसार आप व्यवस्थित करेंगे, उसे सजाएंगे, उसके बाद उसमें किस तरह से आप परिवर्तन करेंगे, चेंज करेंगे उसके प्लेस को। फिर जो बीच में आएगा वो क्या होगा, छठा अंक दो होगा। यदि z बराबर 52 एंड h बराबर 48 हो तो बैट डैश के तुल्य है, किसके तुल्य है, तो 46 के तुल्य है। यहाँ पर देखिए आप खुद ही सॉल्व करके इसको देख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए। निम्नलिखित में से विषम युग्म को पहचानिए, विषम युग्म कौन से हैं, तो यहाँ पे है देखिए सी ऑप्शन सही है, 20 और 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए एक बड़ा सा लेटर दिया हुआ है, शब्द के अक्षरों से निम्नलिखित कौन सा एक शब्द नहीं बनते हैं, तो यहाँ देखिए जो भी शब्द नीचे दिए हैं वो सभी बन जाएंगे, जो भी यहाँ पे लेटर्स दिए हैं उनको लेते हुए ये सारे शब्द बन जाएंगे सिवाय बी ऑप्शन के। बी में क्या है स्पेशल, यहाँ पर एस है ना, तो ये एस जो है, ये जो ऊपर आपके प्रश्न में दिया गया है वहाँ पे ये एस नहीं दिया हुआ है। विकल्प में अन्य कोई भी एक दूसरे का गुणज नहीं है, ये 68 का आंसर है, विकल्प में कोई भी एक दूसरे का गुणज नहीं है। और जो 69 का आंसर है देखिए एस नहीं है इन शब्दों में, दिए गए शब्दों में, तो यहाँ है प्रेस शब्द नहीं बनेगा। आगे देखिए, किसी संख्या का 1/3 भाग यदि 75 हो तो निम्नलिखित में उसका कौन सा हिस्सा 45 है, तो यहाँ भी ऑप्शन सही है 1/5। किस तरह से बनेगा आप देखिए खुद बनाकर आप ट्राई कर सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक गोलार्ध को गोलाकार दो गोले बनाए गए, ठीक, एक गोलार्ध को गोलाकार दो गोले बनाए गए, नए गोले की त्रिज्या है कितनी है, तो ये है गोलार्ध की त्रिज्या का 1/4 के तुल्य, 1/4 के तुल्य है 71। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, लुप्त अंक, तो यहाँ पर देखते हैं आंसर है या नहीं है। देखिए दोनों क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इस क्वेश्चन को। ओके, अब आंसर की तरफ चलते हैं। देखिए क्या है, माना गोलार्ध की त्रिज्या और दो गोलों की त्रिज्या क्रमशः आर और आर है, कैपिटल आर और स्मॉल आर है, तो यहाँ पर देखिए किस तरह से सॉल्व किया हुआ है, आप खुद से ट्राई कीजिए। संख्या श्रृंखला का क्रम निम्नवत है, 72 क्वेश्चन देखिए, और इस तरह से आप भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, किसी संख्या का 2/3 का 5/7 कितना है, 240 है, संख्या क्या है बताइए, तो यहाँ का मतलब आपको पता है गुना से होता है, तो जो अज्ञात संख्या है उसको x मान लेते हैं और फिर इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 73, 74, हीरालाल ने 648 रुपये में एक वस्तु को बेचकर 20% का लाभ अर्जित किया, उसके लाभ की राशि क्या है, तो यहाँ पे देखिए लाभ, लाभ का क्या होता है, लाभ ज्ञात करने के लिए क्या हम लोग सूत्र इस्तेमाल करते हैं, विक्रय मूल गुणे लाभ बटा में 100 प्लस लाभ, तो यहाँ देखिए विक्रय मूल कितना है 648 रुपये, लाभ कितना है 20%, तो फॉर्मूले के अनुसार आप इसे सजा लीजिए, आंसर खुद ब खुद आपको मिल जाएगा, कितना होगा आंसर 108 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x बराबर 30 है तो x स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, से 5% कम का मान है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग अभ्यास करते रहिए और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी परीक्षा में अवश्य सफल होंगे, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते रहे हो।
हो, आपको सामान्य ज्ञान जरूरी होता है, तो इस सेट को आप देखते हुए अच्छे से इसको अभ्यास कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।